24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या इस देश में केवल अमीरों को ही जीने का हक है? क्या दन्ना सेठों के रईस जादे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं? क्या इस देश का कानून इतना पौना हो गया है कि इन अमीर दोस्तियों को सजा भी नहीं दे सकता? ये सवाल उठना तब लाजमी हो जाता है जब कानपुर में एक नाबालिग रेप पीड़िता को खुलेआम तेजाब से नहलाने की धमकी दी जाती है, क्योंकि उसने कानपुर के एक बड़े उद्योगपति घराने और सुध प्लस के मालिक अशोक खेमका के बेटे के ऊपर रेप करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, ये वही रईस ज्यादा आयुष खेमका है जिसने एक नाबालिग लड़की को शादी का वादा करके 4 साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता ने इस रईस ज्यादा के खिलाफ FIR लिखाई, जिसमें पास्को जैसे गंभीर एक्ट भी हैं। लेकिन पुलिस पूरे मामले में लीपापोती करती रही और ये परिवार पैसे के दम पर अरेस्ट स्टे ले आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रईस परिवार पीड़िता को प्रताड़ित करता है, धमकियां देता है, उसे दिन दहाड़े तेजाब से नहलाने की धमकी दी जाती है। लेकिन पुलिस इस शिकायत के बाद भी कान और आंख बंद कर तमाशा देखती रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि शिकायत एक रईस ज्यादे के खिलाफ थी। आज के समय में जब सरकारें छेड़खानी की शिकायत पर सौदों की टांगे तोड़ने का दम भर रही हैं, वही कानपुर का ये प्रकरण सरकार के सारे दावों पर पानी फेरता दिखाई दे रहा है और पुलिस के इरादे पर भी। क्या सारे कानून केवल गरीबों के लिए हैं? पीड़िता का आरोप है, पुलिस उसे मीडिया से बात तक करने से रोकती है। आज SP पश्चिम के कार्यालय पहुंची पीड़िता ने जब अपना दुखड़ा मीडिया को सुनाया तो पुलिस भी सवाल के घेरों में आ गई। पीड़िता का कहना है कि अगर अब भी मुझे इंसाफ ना मिला तो मोदी और योगी से मिलकर गुहार लगाऊंगी या फिर मर जाऊंगी। कानपुर से शुभम मिश्रा के साथ श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं उसे 2015 से, वो मुझे जानता है, मेरी फेसबुक के थ्रू उससे आयुष खेमका से दोस्ती हुई और उसके बाद उसने मेरा वीडियो बना करके मुझे आज तक ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही पब्लिकली, तुम मेरे साथ खुश अपने आप को नहीं दिखाओगी और मुझे कहीं छोड़ के गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हारा वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। और उसके पापा सुनील खेमका भी मेरे घर आके मुझे इस बात का सांत्वना देते थे कि मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा, प्यार करता है। और उसके बाद जब हम उनके माँ बाप के घर गए तो वो लोग कह रहे हैं कि तुम हमारे स्तर की नहीं हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता ही नहीं था, कभी मेरा बेटा नहीं करेगा शादी। और उसके बाद भी आयुष मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी वीडियो मैं हर जगह दिखा दूंगा अगर तुमने कोई भी कार्यवाही करी मेरे खिलाफ। और उन्होंने साफ बोल रखा है कि मीडिया पूरी हमारे अंडर पे है और मीडिया के पास अगर तुम लोग गई तो मीडिया तुम्हारे खिलाफ छाप देगी, हमारे साथ कभी नहीं छापेगी क्योंकि उनके पास हमारे शुद्ध प्लस का ऐड है। मैं क्या करूँ? पॉक्स को लगने के बाद पुलिस अरेस्ट स्टे उनको मिल रहा है हाई कोर्ट से, हम क्या करें आप बताइए? ऐसे में हम क्या करें? न्याय के लिए कहाँ जाए? हम अपनी जान दे दें यही आके? हमने एसिड अटैक के बाद 5 दिन पहले पुलिस को बताया, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। 1 महीने पहले मैंने अपने ये पत्र की बात बताई कि धमकी भरा पत्र आ रहा है, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तभी ये लोग बोलेंगे। जी बिल्कुल, पुलिस ने मना कर रखा है कि पुल मीडिया के पास मत जाना। इनका नाम है अजय सिंह चंदेल, अज्जू भैया स्वरूप नगर से, और एक महेंद्र सिंह है माँ लक्ष्मी मेडिकल स्टोर वाला। ये हमको कह रहा है FIR वापस ले लो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम दोनों लड़ नहीं पाओगी इनके खिलाफ, ये लोग बहुत पावरफुल है, पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे। भैया ये लोग तेजाब डालने की धमकी दे के मुझे, इनका कोई आदमी गया है, बाइक में कोई नंबर नहीं था, मैंने लिखवा दिया है।